तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बनाया था अकोमोडेशन और जॉब का कोई इशू नहीं है। देखो, जॉब तो हर किसी को मिल ही जाती है, महीने के बाद मिले या डेढ़ महीने के बाद मिले, वो डिपेंड करता है वो कैसे ढूंढता है, लेकिन मिल जाती है। लेकिन अकोमोडेशन ऐसी चीज़ है कि भाई अगर वो ना होना तो इंसान को सड़क पर सोना पड़ता है। तो अकोमोडेशन जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अपनी अकोमोडेशन जो है ना वो सॉर्ट आउट करके आना। और अकोमोडेशन के यार मैं काफ़ी बार जो है ना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जो है वो स्पेयर रूम वगैरह दे सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह से दे सकते हो। लेकिन स्पेयर रूम और फेसबुक मार्केट प्लेस से इशू ये है कि अगर आप तो यहाँ पर हो तो आप तो व्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर हो तो फिर आप व्यू वगैरह तो नहीं कर सकते ना। और आपको पता ही नहीं कि कौन से ऐड जो है वो भाई जेन्युइन है और कौन से स्कैम है। तो यहाँ पे स्कैम बहुत ज्यादा होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो बी केयरफुल। अलावा मैंने हॉस्टल्स के वगैरह की वीडियो बनाई हुई जिसमें तकरीबन वो 19 pounds लेते हैं और हर सिटी में हॉस्टल होता भी नहीं। और 19 pounds दिन का मतलब महीने के 570 pounds हो गए, तो 570 pounds भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं, और काफी बंदों के जानने वाले होते हैं लेकिन उनको लेने नहीं आते एयरपोर्ट के अंदर, ऐसे भी काफी बंदों के दोस्तों के साथ किस्से हो चुके हैं। पहली बात तो उन लोगों को ये कहना चाहूंगा यार, किसी के साथ ऐसा ना करो। तो अगर आपके पास अकोमोडेशन है तो आप साफ साफ उसको मना कर दो। तो यार ऐसे किसी के साथ ना किया करो कि एक तो बंदा यार बाहर के मुल्क आया हो, प्लस जो है फर्स्ट टाइम आया, और ऊपर से आप जो उसको शो ही ना करो। तो यार बंदा जो है ना काफी डिप्रेशन और टेंशन में चला जाता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। तो यार किसी के साथ जो है ना ऐसा नहीं करना। और दूसरी बात, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं करना, हर चीज खुद करनी है, चाहे वो जॉब हो चाहे अकोमोडेशन। अगर आपका भी अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है तो टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो के अंदर जो मैं अकोमोडेशन का सॉल्यूशंस लेके आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जब भी बात जो है स्टूडेंट्स की आती है तो स्टूडेंट्स के अकोमोडेशन के अंदर सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, यूनिवर्सिटी के पास हो, और जो दूसरा फैक्टर है वो स्टूडेंट्स के लिए कि अफोर्डेबल हो। भाई अफोर्डेबल होगा तभी तो स्टूडेंट जो है वो पे कर सकते हैं रेंट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है वो सिर्फ 20 hours काम कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर। तो अगर आपको भी सिक्योर्ड और अफोर्डेबल अकोमोडेशन चाहिए तो मेरा जो लिंक है नीचे यूनी अकोमोडेशन का, आप जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अकोमोडेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, एक तो ये कि ये बिल्कुल सिक्योर है और ये बिल्कुल ही जो है ना ग्लोबली स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन को डील करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, कैनेडा हो, जर्मनी हो, मतलब स्टूडेंट्स की टॉप जितनी भी लोकेशन है वो यही है, तो इन सब के ऊपर ये अकोमोडेशन डील करते हैं। क्योंकि मेरी ऑडियंस जो ज्यादातर वो UK से देखने वाली है, तो आप UK के ऊपर इस कंट्री पे जैसे क्लिक करके उसके बाद आपको प्रॉपर जो है पूछा जाता है कि आपका बजट क्या है, मतलब इनकी जो अकोमोडेशन है वो 60 pounds से स्टार्ट होकर तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तक भी जाती है। मतलब आप पे डिपेंड करता है आप जो है बिल्कुल चीप अकोमोडेशन में रहना चाहते हो या थोड़ा सा लग्जरी माहौल में रहना चाहते हो। क्योंकि अकोमोडेशन है उसमें भी आके आपके ना चार ऑप्शन पूछ जाएंगे कि ऑन स्वीट या नॉन ऑन स्वीट। ऑन स्वीट का मतलब ये होता है कि अपने अपने कमरे के साथ ही आपका वॉशरूम हो। अगर आपका पर्सनल अटैच वॉशरूम आपके साथ, उसको ऑन स्वीट कहा जाता है, तो उसका जारी सी बात है रेंट थोड़ा ज्यादा होगा। आप नॉन ऑन स्वीट भी ले सकते हो, आप जो स्टूडियो अपार्टमेंट भी ले सकते हो, और आप पूरा घर रेंट आउट भी करवा सकते हो। तो आप जो है ना लाजमी ये लिंक पे जाके चेक कीजिए और इनसे जो है ना कंसल्ट कीजिए कि आपका बजट क्या है, आप जो है ना कौन से एरिया में देखना चाह रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। तो ये सब कुछ जो है ना आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। तो जो लिंक है इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।